हम लोग को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जाते हैं जिम बीड और ऑनगोइंग बीड्स, ये हो गया बीड्स हमारा, है ना। बीड्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यू ऑल बीड्स, यहाँ पे मुझे सभी टाइप के बीड्स दिखते हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट डे के क्लास में भी डिस्कशन किया था। कैसा बीड्स है? पोडेट का बीड है ना, या आरए, आरए मतलब रिवर्स ऑप्शन, बीड्स और रिवर्स ऑप्शन। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जैसे जैसे हमारे पास उसमें क्वेरी आता रहेगा हम लोग उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करते जाएंगे। बीड्स और आरए, सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस समझेंगे, बीड क्या होता है और रिवर्स ऑप्शन क्या होता है। किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है या कोई भी आइडिया है तो आप मुझे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। टेंडर क्या होता है, बीड्स या टेंडर? भरा है आप लोगों ने बीड कभी भी कोई भी पोर्टल में, जेम नहीं, कहीं पर भी टेंडर भरा है? जी सर। बोलिए सर, क्या आपको उसमें क्या रहता है, कैसा क्या रहता है इसमें बीड में सर? मैंने इसका भरा है अपने महाराष्ट्र टेंडर का। हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पोर्टल का। हाँ, इसमें बीड मतलब जो टेंडर रहते हैं ऑनगोइंग, उसमें बीओक्यू आता है। तो बीओक्यू में जो कुछ उन्होंने जैसे अपने बीड बंच का बताया था, 8-10 आइटम जो रहते तो उनके अलग अलग के रेट जीएसटी के साथ में डालना पड़ता है। जीएसटी का सर बना, वो हो गया फाइनेंस, है ना जी। उसमें दो एनवेलप, टेक्निकल और एक फाइनेंस। बरोबर सर, है ना। तो हम आप अभी बात कर रहे हैं ओनली फाइनेंस का, है ना, फाइनेंस पे। हाँ, और टेक्निकल में? टेक्निकल में सब डॉक्यूमेंट मांगते होंगे, जो कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जैसे सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, जो भी उसके बाद में है ना, जो हाँ एक्सपेंस वगैरह हो गया, जो भी टेंडर में जैसा डॉक्यूमेंट बोला है उसके हिसाब से अपने को डालना पड़ता है ना। जी जी। तो सर ने एक थोड़ा अपने को आइडिया दिया टेंडर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं बीड। पहला तो डायरेक्ट प्रोसेस क्लियर है आप लोगों को, क्या होता है, बायर अपने अकॉर्डिंगली डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है, लाइक अमेजन। अमेजन में आपको कोई परचेज करना है तो आप कहीं पर क्या किसी से पूछ के करते हो? डायरेक्ट आपको पसंद आया आप डायरेक्ट ऑर्डर कर लेते हो। चलो आप एक कंपनी में एज ए समझ लो कि आप खुद का पर्सनल नहीं समझते, आपको कहीं कंपनी में आप एक जॉब करते हो, कहीं पर है आप काम पे हो और उनको एक लैपटॉप खरीदना है और ऑनलाइन अमेजन के पोर्टल से खरीदना, तो आप कंपनी के इंटरनल को पहले पास करोगे जो भी है, मतलब ये ऑर्डर परचेज करना है तो वर्क ऑर्डर परचेज ऑर्डर वगैरह निकालोगे जो इतने अमाउंट का निकालना है और हम लोग अमेजन से परचेज करने के लिए जा रहे हैं। आप अमेजन पे जाओगे, वो प्रोडक्ट चूज करोगे, डायरेक्ट अमेजन को ऑर्डर प्लेस कर दोगे। यहाँ पे क्या हुआ, जो अभी क्या वहां पे कॉम्पिटिटर होंगे, बहुत सारे लोग लैपटॉप बेच रहे होंगे, मान लो यहाँ पे इतने सारे लोग अमेजन पे लैपटॉप बेच रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे, हो सकते हैं मल्टीपल सेलर वहां पे बैठे। तो आपने किसी को बताया क्या जो आप बी के पास से ही लैपटॉप परचेज कर रहे हो? ऐसा ए को इन्फॉर्मेशन किया, सी को इन्फॉर्मेशन किया, डी को इन्फॉर्मेशन किया? ना ई को किया, ना आपको किया। मैं यहाँ पे सेलर की बात कर रहा हूँ, ये लोग सेलर है अमेजन पे, लोग अमेजन पे सेलर है। अभी यहाँ पे लैपटॉप बहुत सारे लोग बेच रहे थे, पर आपको जो लैपटॉप चाहिए था वो बी के पास था, आपने डायरेक्ट बिना किसी को बताए डायरेक्ट बी से परचेस कर लिया। इस परचेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट परचेस। पर टेंडर में ऐसा नहीं होता, जब बीड के बारे में बात करते हैं या टेंडर के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। बीड आपको डिस्प्ले करवाना पड़ता है जो आपको चाहिए। अभी आप बोल रहे हो मुझे लैपटॉप चाहिए 10, ये एग्जांपल है ना, लैपटॉप चाहिए 10। आपने अनाउंसमेंट किया मुझे 10 लैपटॉप चाहिए, आपने अनाउंसमेंट किया कि मुझे 10 लैपटॉप चाहिए, कब तक चाहिए? तो मुझे आपको 10 दिन में, आपको बोला कि मैं 10 डेज का टाइम दे रहा हूं, मुझे 10 लैपटॉप चाहिए, आपको मैं 10 दिन का टाइम दे रहा हूं, आप मुझे अपना रेट भेज दो। ये आपने अनाउंसमेंट किया, जितने भी आपके पास वेंडर थे सबको अनाउंसमेंट किया। मान लो 100 आपके पास वेंडर थे, आपने 100 वेंडर को अनाउंसमेंट किया कि मुझे 10 लैपटॉप चाहिए, 10 दिन आपके पास टाइम है, आप अपना कोट मुझे दे दो, रेट अपना दे दो। इसको बोलते हैं टेंडर। बट आपने किसी वेंडर को डायरेक्ट फाइनल कर दिया, बी को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट परचेज। समझ में आया डायरेक्ट परचेज और बीड में क्या डिफरेंस है?
तो टेंडर होगा। तो मार्केट में जब टेंडर में आपने जो बताया लोगों को जो मुझे 10 लैपटॉप चाहिए और आपके पास 10 दिन का टाइम है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये एक पेपर निकलता है उस पेपर को बोलते हैं हम लोग टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस यदि इसके अच्छे लैंग्वेज में बात करेंगे प्रॉपर, हम लोग इसको बोलते हैं एनआईटी, नोटिस इनविटेशन टेंडर, है ना, एनआईटी। यहाँ पे हम लोग इनवाइट कर रहे हैं सेलर को, बायर अपना सेलर को इनवाइट कर रहा है, जो मुझे 10 लैपटॉप चाहिए उस पेपर को बोलते हैं हम लोग टेंडर नोटिस बोलो या फिर एनआईटी बोलो, एनआईटी नोटिस इनविटेशन टेंडर, है ना। तो ये हम लोग बीड में अनाउंसमेंट करते हैं, बताते हैं जो मुझे टेंडर चाहिए। अभी आप आपके पास टाइम है कोट करो, बट इसमें कुछ कंडीशन डालते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी आके आदमी कोट कर सकता है जिसको चाहिए, पर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया है, बायर अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता है आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए। हम लोग इसको टेक्निकल बोलते हैं, इसमें दो पार्ट होता है, टेक्निकल एक फाइनल, दो पार्ट में रहेगा टेंडर, इसमें दो पार्ट में रहेगा, है ना। टेक्निकल जब आपने आपको पता चल गया जो इस टेंडर नोटिस एक निकला है कहीं से, किसी को लैपटॉप चाहिए 10, तो आप अपना के लिए तैयारी करोगे, पर उस कंपनी के कुछ रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है, जो कंपनी मुझे लैपटॉप सप्लाई करेगा उसके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी वो ब्रांड का सप्लाई करेगा। आप बोल रहे हो कि मैं डेल ब्रांड का सप्लाई करूंगा, तो डेल से आपको ऑथराइज डीलर आप होने चाहिए। मैं नॉन ऑथराइज डीलर के पास परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ऐसा सेलर का बायर का रिक्वायरमेंट है। तो जो भी परचेज करेगा उसके पास ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और भी हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऐड किए, आपके पास जो इनकम टैक्स है, आईटीआर है, टर्नओवर है, टर्नओवर कम से कम 5 लाख टर्नओवर होना चाहिए, मिनिमम 5 लाख से ज्यादा हुआ चलेगा, 5 करोड़ है, 100 करोड़ है तो चलेगा, 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे उसमें आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेगा वो आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स जो मांगेगा इसको बोलते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया, ताकि इस टेंडर में आप कोट करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं ये चेक करने का प्रोसेस, इसको बोलते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया। और एलिजिबल क्राइटेरिया में जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है उसको हम बोलते हैं टेक्निकल, वो पार्ट कहाँ रहेगा, टेक्निकल। तो टेक्निकल में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स से बायर ने मांगा है वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको टेक्निकल में अपलोड करना पड़ेगा। टेक्निकल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद फिर आपको बोलेगा आप फिर रेट कोट करो, कितना आप कोट करना चाह रहे हो। तो अभी मान लो ये सब लोगों ने रेट कोट कर दिया, किसी ने कोट किया 1 लाख, किसी ने कोट किया 3 लाख, किसी ने कह दिया 1.5 लाख, किसी ने कर दिया 99,000, थाउजेंड में क्या, किसी ने किया 2.3 लाख, है ना, इसने कर दिया 1.34 लाख, ऐसा कोट कर दिया सब लोगों ने, अपना अपना रेट कोट कर दिया, कोट तो कर दिया सब लोगों ने, सब इतने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ओके है। जो और भी बाकी लोगों ने मान लो कोट किया था, पर उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ऑथराइजेशन नहीं था, आईटीआर नहीं था किसी के पास, तो वो लोग सब टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई हो गए। जो लोग टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब आपके पास यदि जो डॉक्यूमेंट्स बायर को चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास नहीं है, तो आप ये टेंडर को भर नहीं सकते, और आपने भर दिया तो आप इस टेंडर में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे टेक्निकल राउंड में। जब टेक्निकल राउंड से आप क्वालिफाई हो गए तो आपका फाइनेंस खुलेगा, फिर आपका रेट खुलेगा, ये रेट किसने क्या क्या रेट डाला है। यदि कोई टेक्निकल राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसका रेट किसी को पता नहीं चलेगा, किसने क्या रेट में कोट किया था, जो टेक्निकल में क्वालिफाई होगा उनका ही रेट अपने को पता चलेगा। यहाँ पे आएंगे हम लोग फाइनेंस, तो फाइनेंस में टेंडर किसको मिलेगा, जो सबसे कम रेट में कोट करेगा। यहाँ पे सबसे कम रेट में कौन किया कोट किया है, डी ने, तो डी को टेंडर मिलेगा 0.99 लाख, क्योंकि सबसे कम रेट में इसने कोट किया है, बराबर, ये फिर टेंडर इसको अलॉट हो जाएगा, फिर इसके नाम से वर्क ऑर्डर मिलेगा, फिर ये सप्लाई करेगा। ये होता है बीड,
टेंडर। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। हाँ संतोष सर बोलिए। जो रेट होगा ये तो सिर्फ बायर को ही दिखेगा ना, सिर्फ बायर को दिखेगा, बाद में सबको दिखेगा। नहीं, टेंडर में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उनको भी दिखेगा सर? उसको दिखेगा टेंडर पूरा खुलने के बाद। टेंडर खुलने के बाद है? हाँ, पहले नहीं दिखेगा, जब खुल जाएगा पूरा ओपन हो जाएगा, किसको मिला वो पता चल जाएगा, उसके बाद सबको मिला, किस रेट में मिला है सर। हाँ, किसको क्या रेट में किसने कोट किया था वो सब कुछ पता चलेगा। हाँ, क्योंकि पहले पता लग जाएगा चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज हो सकता ना, इसलिए पहले नहीं पता होगा। पहले तो बायर को भी पता नहीं होगा। अच्छा, बायर को भी नहीं, बायर को भी पता नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ जो लोग टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उनका रेट किसी को भी पता नहीं चलेगा। टेक्निकल क्वालिफाई होने के बाद फाइनेंस में जिसका रेट, फाइनेंस में जब वो फाइनेंस खोलेगा उसके बाद सबको पता चलेगा जो सबका रेट क्या क्या किसने डाला था। जो लोग टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई होंगे उनका रेट भी नहीं पता चलेगा कुछ भी। जी सर। और क्योंकि उसका एनवेलप ही नहीं खुलेगा ना। जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुबोध सर। सर पहले जो होता था कि टेंडर में हो गया या फिर कोटेशन कॉल में हो गया कि बायर को पता चलता था कि किसका रेट क्या आया है, और उसके बाद हम वहां पे सबमिट करते थे सबका रेट देख के। सर वो ऑफलाइन मेथड था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी अगर समझो कोई क्वालिफाई होते, 10 लोग क्वालिफाई होते, हाँ, तो ये सब बायर को शुरुआत से दिख। क्या बोले, समझा नहीं सर आपका एक बार। अभी 10 डेज का पीरियड है, ठीक है, 10 डेज में 10 लोगों ने पार्ट। हेलो। हाँ, अगर 10 डेज का पीरियड है, ठीक है, 10 डेज में 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, हाँ, वो क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है, टेक्निकल राउंड में। हाँ, और क्वालिफाई होने के बाद जो रेट हर लोग सबमिट कर रहे हैं तो वो तभी बायर को दिखता है, या फिर एट द एंड ऑफ द डे जब क्लोज 10 डेज का पीरियड खत्म होता है तब बायर को दिखता है? जब खत्म हो जाएगा और वो टेक्निकल खोलेंगे तब पता चलेगा। ओके। जब तक टेक्निकल नहीं खोलेगा तब तक नहीं पता चलेगा, सिर्फ बायर को ये पता चलेगा कितने लोग आए हैं। ओके। 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 5 ने किया है, 10 ने किया है, नंबर पता चलेगा, पर वो कौन है ये नहीं पता चलेगा। ओके। प्राइस नहीं पता चलेगा? प्राइस भी नहीं, नाम भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओके। नाम कब पता चलेगा? जब वो टेक्निकल खोलेंगे। और रेट कब पता चलेगा? जब फाइनेंस खोलेंगे। तो ये टेक्निकल खोलेंगे जब ये सब प्रोसेस क्लोज आउट हो गया और उनका जो टाइम सब कुछ, हाँ, टेंडर का डेट खत्म होने के बाद। ओके। तब तक किसी को पता नहीं चलेगा, बायर को भी नहीं, सेलर को भी नहीं, किसी को भी। ये सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ओके सर। ओके। हेलो। हाँ, 1 मिनट सर। विकास सर का एक क्वेरी है, सबका नाम सबका रेट सेम हुआ तो ये बायर के पास ऑप्शन है, बायर इसको रिवर्स ऑक्शन में ले सकता है, पहला। दूसरा, सभी सेलर को बुला के और सबके नाम से चिट्ठी निकाल सकता है, या सभी को बोल सकता है कि आप दोबारा कोट करो, और उसमें से मान लो सबसे अभी 99 लाख सबका सेम हो गया, तो बायर बोल सकता है कि 99 लाख आपका सबने कोट किया है, अब इससे कम में कौन देगा बताओ, जो रिवर्स ऑप्शन क्या होता है। या फिर सबका नाम से चिट्ठी निकाल सकता है और चिट्ठी के अकॉर्डिंगली दे सकता है, या फिर और एक तरीका होता है, जेम ने अभी नया तरीका किया है, जेम खुद सिलेक्ट करता है किस बेस पे उनका प्रोफाइल किसका ज्यादा स्ट्रांग है, उसके हिसाब से भी जेम खुद भी सिलेक्ट करता है। तो बायर के ऊपर मर्जी है, बायर जो ऑप्शन चुनना चाहे वो चूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेरी किसका है? सचिन सर बोलिए। सचिन सर। सर ऐसा है, सपोज 1 तारीख को बिडिंग करना स्टार्ट हो गया और 10 तारीख तक अपने पास वैलिड डेट है। हाँ। और हमने सपोज बिडिंग में पार्टिसिपेट किया, हमने एक लैपटॉप का प्राइस जो डाला है। हाँ। अगर हमें लगता है 10 दिन में हमारा प्राइस कम हो गया या ज्यादा हो गया तो क्या? हाँ, हमें प्राइस कभी भी चेंज कर सकते हो। यस, 10 दिन। हाँ, डेट से पहले, लास्ट डेट से पहले आप कभी भी चेंज कर सकते हो। चेंज कर सकते हैं। हाँ, और आपको ये चेंज करने का ऑप्शन 3 बार मिलता है। अच्छा, खाली 3 ही बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा, 3 बार आप चेंज कर सकते हो, 3 times। ओके सर, थैंक यू। क्लियर है? बीड मतलब, सिर्फ मैं बीड मतलब समझा रहा हूँ, डिटेल्स अभी बताऊंगा आगे। चलो, अब बीड समझ गए तो आरए समझते हैं, रिवर्स ऑक्शन। आरए समझते हैं, ये तो ऑक्शन। ऑक्शन, ऑक्शन में 2 पार्ट है, एक को बोलते हैं एफए और एक को बोलते हैं आरए।
ऑक्शन, ऑक्शन मतलब हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ऑक्शन में बोली बोलते हैं ना, बोली लगाना, बराबर है ना। बोली लगाने का देखा है कि आप लोगों ने, किसी ने बोली कैसे लगाते हैं? ऑक्शन देखा है आप लोगों ने? सबने देखा होगा मूवीज में, तो देखा ही होगा पुराने मूवीज में, जितेंद्र के मूवीज में देखो बोली लगाता था घर के, काफी मूवीज में होंगे, नीलामी होते थे आईपीएल में भी, हाँ अभी लेटेस्ट में, फिर आईपीएल में बोली लगता है सभी प्लेयर के ऊपर, ऑक्शन होता है, 5 लाख दूंगा मैं, 5 करोड़ दूंगा, 6 करोड़ दूंगा, फिर बाद में अपने को पता चलता है ये इतने में सेल हुआ है ना। तो यदि आप लोगों ने है ना, तो ऐसा बोली बोलते हैं। तो जो आईपीएल में बोली लगता है तो वहां कैसा बोली लगता है? किसी ने बोला मैं 5 करोड़ से चालू हुआ किसी का रेट, तो 5.1, 5.2, 5.5, क्या 5 से नीचे आता है क्या? देखा है किसी का बोली 5 करोड़ से चालू हुआ तो क्या उसको 4 करोड़ में गया क्या, ऐसा देखा है? नहीं सर, 5 से ऊपर जाता है ना। तो ऐसे बोली को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ऑक्शन, क्योंकि ये बोली बढ़ रहा है, ये बोली बढ़ रहा है। जब बोली घटेगा, जब बोली बढ़ेगा नहीं, अभी 5 करोड़ हाईएस्ट वैल्यू है, उससे जब घटेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑक्शन। समझ में आया फॉरवर्ड और रिवर्स? आगे समझते हैं ना, हम सिर्फ अभी ऑक्शन समझ दे रहे। अभी ऑक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स, अभी फॉरवर्ड में यदि हम लोग देखेंगे तो फॉरवर्ड में बहुत सारे बोली लगते हैं। एज ए एग्जाम्पल अभी हम लोग आते हैं टेंडर पे, गवर्नमेंट बॉडीज में, अभी तो नॉर्मल हम लोग बात कर रहे थे, अभी गवर्नमेंट में आते हैं। गवर्नमेंट में बोली जब फॉरवर्ड का लगता है तो किसका लगता है? किसी का बोली सुना है? नहीं? आरटीओ गाड़ी पकड़ती है, उस गाड़ी जब भी उसका खत्म होता है तो उसके ऊपर नीलामी चालू होता है। बैंक, किसी ने घर लिया, बैंक का पैसा नहीं दे पा रहा है तो बैंक उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है और फिर उसका नीलामी लगाती है। ये सब फॉरवर्ड ऑक्शन। चलो इनकेस छोटा हम लोग समझते हैं, ये बड़े ऑक्शन हो गए, छोटे ऑक्शन। आपके नियर बाय कोई तालाब वगैरह होता है गवर्नमेंट का, वहां पे मच्छी की खेती होती है, फिश का, उसका भी बोली लगता है जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। जो आपको 1 साल के लिए यदि यहाँ पे मच्छी का खेती करना है तो मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट बोलती है, तो उसका भी बोली लगता है। 2-3 लोग हो गए, मैं भी पैसा देने को तैयार हूं, तो क्या करेगा? उसका बोली लगा देगा। आपके बाजू में नदी वगैरह है तो सैंड जो निकलता है, सैंड, उसका बोली लगता है, मेटल का बोली लगता है। मतलब इन शॉर्ट, गवर्नमेंट के पास यदि कोई भी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, और वो आप लेना चाहते हो, चाहे वो लीज पे या परचेज करना चाहते हो। जैसे गवर्नमेंट के पास मान लो रेलवे, एक बड़ा स्क्रैप मटेरियल का डीलर है, वो स्क्रैप मटेरियल बहुत बेचती है रेलवे, तो आपको रेलवे से ऐसा स्क्रैप मटेरियल परचेज करना है तो क्या करेगा? ऑक्शन के थ्रू से परचेज करेगा। मतलब गवर्नमेंट को यदि कोई भी चीज बेचना है तो उसका वो क्या करेगा? फॉरवर्ड ऑक्शन करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए उसको बेचने के लिए। तो उसका ऑक्शन कैसा निकलेगा? फॉरवर्ड ऑक्शन, जब गवर्नमेंट को कोई बेचना होगा। और जब जब गवर्नमेंट को कोई चीज खरीदना होगा और बोली के थ्रू से, तो उसका वो रिवर्स ऑक्शन लगाएगा। अभी मान लो लैपटॉप ही उसको परचेज करना है, उसको 10 लैपटॉप परचेज करना है, तो गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया एक लैपटॉप की कीमत कितनी होती है। मान लो एमआरपी लगा दिया कि 70,000 रुपये का एक है तो 7 लाख इसका मैक्सिमम प्राइस है, 7 लाख रुपया उसने उसका बोली चालू किया, 7 लाख। अब मुझे अभी ये लैपटॉप परचेस करना है 7 लाख तक में, 7 लाख से ऊपर नहीं करना है, 7 लाख तक परचेस करना है, तो 7 लाख से बोली चालू हो जाएगा। अभी जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो लोग अपना अपना बोली लगाएंगे, बोली लगाएंगे सबने अपना अपना, जो सबसे कम बोली यहाँ पे लगाएगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और वो आरए के थ्रू से उनको ऑर्डर वैल्यू पास हो जाएगा। बोली लगता कैसे? चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बोली का भी दे दूं। मान लीजिए ऑक्शन निकला है रिवर्स ऑक्शन, अपने इतने लोगों ने ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सेम 7 लाख से बोली चालू हो गया, 7 लाख से बोली चालू हो गया। अभी ये बोली का टाइमिंग रहता है, बोली का टाइमिंग क्या बोला? 10 बजे से लेके 10 to 1 बजे तक बोली चलेगा, 1 PM तक। अभी सबको बोली लगाना है, जो भी सबसे पहला मान लो सी ने बोली लगा दिया,
7 लाख से ऊपर आप रेट नहीं डाल सकते, सबको दिखेगा यहाँ पे कौन क्या रेट डाल रहा है, सबको दिखेगा। बीड में सबको नहीं दिखता था, बीड में जब टेंडर खुलता था तब दिखता था, यहाँ पे सबको दिखेगा किसने क्या रेट में बोली लगाया। तो मान लो सबसे पहला सी ने बोली लगा दिया, मैं 6.99 में दे दूंगा, 6.99 अभी टेंडर हो गया फिलहाल के लिए, 6.99 सी को। फिर ई को लगा कि नहीं मैं इससे कम पे, तो इसने बोली लगा दिया सीधा 6.8 लाख। अभी कोई भी बोली लगाएगा उसको 6.8 से नीचे बोली लगाना है, उसके ऊपर बोली नहीं लगा। फिर ए को लगा या बी को लगा, जो मैं इसको 6.5 में लगा देता हूं, तो ये 6.5 का कोट कर देगा। ऐसा बोली चलता रहेगा, कब तक चलेगा, 1 बजे तक। 1 बजे तक जो सबसे कम रेट में कोट करेगा उसको ये टेंडर मिल जाएगा, इसको बोलते हैं आरए। यहां पे सबको सबका रेट दिखता रहेगा पोर्टल में। बीड में ऐसा नहीं होता, बीड में आपको वन टाइम कोट करना, एक ही बार कोट कर सकते हो, इसमें आप मल्टीपल कोट कर सकते हो। सी को लगा, अभी सी को लग रहा है तो इसने फिर से कोट कर दिया 6.4 लाख, कोट कर सकता है। फिर किसी ने कोट कर दिया, फिर से इसने कोट कर दिया, जो नहीं मुझे अभी इससे भी कम चाहिए, इसने 6.4 का कर दिया। फिर से आया बी, सी और बी में, सी और ए में कॉम्पिटिशन होना चालू हो गया। मान थोड़ा सा ऊपर डाल दे रहा हूँ ना मैं, सॉरी, ओके। अब इसको इसने बोली लगाना, फिर से इसने बोली लगा दिया, मुझे 6.2 में ही दे दूंगा या 6.3 में दे दूंगा। तो बोली लग, जितना बोली घटेगा उतना गवर्नमेंट को फायदा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, बॉडी जो गवर्नमेंट बॉडी है वो क्या होगा, बायर होगा और आप लोग सेलर होंगे। फॉरवर्ड ऑक्शन में उल्टा, फॉरवर्ड ऑक्शन में आप खरीदेंगे और डिपार्टमेंट बेचेगा, मतलब डिपार्टमेंट सेलर हो जाएगा और आप हो जाओगे बायर। क्लियर है, आरए और बीड में मतलब समझ में आया आप लोगों को। हाँ पवन सर बोलिए। सर मेरा कहना ये था कि ये रिवर्स ऑक्शन अपन कभी भी ले सकते हैं क्या, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या, कि उसके लिए बिडिंग बना जरूरत है? ये बायर के जैसा, बायर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं। बायर ने कैसे नॉर्म्स बनाया, हमने अभी बायर का नॉर्म्स आपको बताया ही नहीं है, जब हम लोग टेंडर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो बायर किस तरीके से चाहता है। अच्छा, अभी फिलहाल हम आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक ठीक सर, अभी बायर जिस तरीके से बोलेगा उसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि बायर को खरीदना है, उसके मर्जी के अकॉर्डिंगली चलेंगे हम लोग। तो वो जैसा बोलेगा, वो बोलेगा डायरेक्ट ऑक्शन लगाओ तो डायरेक्ट ऑक्शन लगाएंगे, उसने बोलेगा पहले टेंडर होगा और बाद में ऑक्शन होगा तो पहले टेंडर होगा और बाद में ऑक्शन में कन्वर्ट होगा, है ना। अच्छा, जैसा बायर की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हमारा काम चलेगा। ओके सर। डिंपल मैडम, सर ये लाइव रहता है? हाँ ऑक्शन लाइव रहता है, ऑक्शन जो होगा वो लाइव रहेगा। ऑक्शन आप लोग लाइव, वीडियो मेरे पास एक है, चाहे तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे, यदि आपको ऑक्शन लाइव देखना है तो एक मिनट। देखिए ऑक्शन कैसे चलता है, अभी देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेट किसने डाला है, H1। यहाँ पे देखिए राजू राखोंडे, इसने अभी डाला है, इसका प्राइस कितना है 40500, इसका ये प्राइस है और ये सबसे हाईएस्ट है। अभी मैं अपना प्राइस यहाँ पे डाल सकता हूँ, जो मेजर मेरा प्राइस कितना डालना, ये ऑक्शन का साइड है, जेम का नहीं है, पर ऐसा ही ऑक्शन चलता है। ऑक्शन वैल्यू साइड हमने साइन कर दिया अभी तक उसका, ये देखो आगे का ऑक्शन, थोड़ा सा मैं पार करता हूँ उसको। हाँ देखिए अभी नाम बदल गया, H1 किसका आ गया फिर से, और इसने 4,10,000 में डाल दिया। ये फॉरवर्ड ऑक्शन है तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ऑक्शन, है ना, ये जो है ये बढ़ता रहेगा, और रिवर्स ऑक्शन में घटता है। देखो अभी ये इसका नाम से आ गया 4,10,000 में, आप जैसे अपना रेट कोट कर देंगे आगे तो ऐसा आपका रेट है। मैं अभी बढ़ा रहा हूँ 4,20,000 डाल रहा हूँ, तो इसको साइन करूंगा और सबमिट कर दूंगा तो मेरा अभी रेट मेरा नाम आ जाए, ऑक्शन वैल्यू साइन सबमिट, देखो 4,20,000 में मेरा नाम आ गया और यहाँ पे आ रहा है 4,20,000 में, अभी मुझे आ रहा है। ये चलता रहेगा,
जब तक ये टाइमिंग है, कब तक टाइमिंग है, 12 बजे तक, 10 बजे चालू हुआ है, 12 बजे खत्म होगा, 12 बजे तक कोर्ट करते रहेंगे, जो चीज जितने लोगों ने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया सब लोग कोर्ट करते रहेंगे, क्लियर है? ऑक्शन रिवर्स ऑक्शन हुआ तो रेट खाली कम करना, डाउट से किसी को तो बताओ, नहीं जेम पे ही है ना, जेम पे हाँ, और बाकी जो अलग अलग साइड है वहाँ पे तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे मैं ई ऑक्शन का बता रहा था, तो ई ऑक्शन में जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे जहाँ पे आप जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं जेम का, प्रोसेस इसी तरीके से होगा, क्लियर है? चलिए तो हम लोग अभी फिलहाल समझे बीड और ऑक्शन में डिफरेंस, बीड क्या होता है, ऑक्शन क्या होता है, बीड कैसा चलता है, ऑक्शन कैसा चलता है, ये चीजें हमने सिर्फ आपको क्लियर किया। चलिए आगे चमन समझते हैं, तो यहाँ पे बाकी के जो पोर्टल होते हैं उसमें बीड कैसा होता था, एक ही टाइप के होते थे, तो यहाँ पे दोनों आ सकता है, बीड भी आ सकता है और ऑक्शन भी आ सकता है। कैसे पता चलेगा ये बीड है या ऑक्शन है, आरए है, तो देखो यहाँ पे यदि बी लिखा हुआ है तो ये बीड है, यहाँ पे आर लिखा रहेगा तो वो रिवर्स ऑक्शन है ना, बी लिखा रहा तो बीड, आर लिखा रहा तो रिवर्स ऑक्शन। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कोई आर लिखा हुआ रहेगा तो बहुत कम आता है रिवर्स ऑक्शन में, डायरेक्ट टेंडर बीड से ऑक्शन में कन्वर्ट होते हैं, बट डायरेक्ट ऑक्शन में बहुत कम टेंडर आता है रिवर्स ऑक्शन। यदि कुछ आया तो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे बी की जगह पे आर लिखा रहेगा, अभी सब यहाँ पे बी बी है, देखो यहाँ पे आपको पता था ये ब्लॉक, ये सब टेंडर से बीड से ऑक्शन में कन्वर्ट हुआ है, देखो बी की जगह आर है, यह पहले बीड था और बीड से ऑक्शन में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको बोलते हैं बीड टू आर ए, मतलब पहले टेंडर था और टेंडर के बाद ये ऑक्शन में कन्वर्ट हो गया। कब होगा, कौन सा टेंडर होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सब हम लोग टेंडर जब स्टडी करेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइप ऑफ बिड्स भी देख लेते हैं, जैसे तो हम लोगों ने फर्स्ट डे के लेक्चर में बताया था आपको, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें और आगे का थोड़ा बता देता हूँ ना। यहाँ पे कौन सा टेंडर दिखेगा, जो सिंगल प्रोडक्ट का है, सिंगल प्रोडक्ट मतलब मान लो एक बायर को पेन चाहिए 0.5 mm का पेन चाहिए, और पेन ही चाहिए 0.7 mm का, 0.5 mm का उसको 1000 पेन चाहिए और 0.7 mm का 500 पेन चाहिए, तो ये क्या होगा, बंच बीड होगा, क्योंकि उसको दो प्रोडक्ट चाहिए, पेन ही चाहिए पर अलग अलग चाहिए, दो अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए, 0.5 का अलग है 0.7 का अलग है, सिर्फ उसको 0.5 का 1000 क्वांटिटी लगता तो ये टेंडर यहां डिस्प्ले होता, पर यदि उसको 0.5 प्लस 0.7 चाहिए तो यहां होगा, चलो उसको पेन भी चाहिए, पेपर भी चाहिए, पेंसिल भी चाहिए, तो भी वो बंच होगा, फिर भी वो थर्ड नंबर ऑप्शन यहीं पर दिखेगा, बंच भीड़, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे, देखो यहाँ पे कोमा रहेगा, एमएस स्टील 2 mm का है, एमएस स्टील 3 mm का है ना, तो ऐसे दो अलग अलग प्रोडक्ट, कोई भी टेंडर देखो तो कोमा डाल के देखो अलग अलग प्रोडक्ट, तो ये होगा बंच भीड़, पर यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं, सिंगल है, हाँ क्वांटिटी हो सकता है, एक से जगह दो, दो पांच दस, ऐसा क्वांटिटी हो सकता है, पर प्रोडक्ट एक ही है, ये हो गया सिंगल प्रोडक्ट। सर्विसेज में भी सेम, यदि उसको कोई सिंगल सर्विसेज चाहिए, जैसे इसको खाली कुक चाहिए, देखो सिर्फ कुक चाहिए है ना, बाजू यहाँ साइड में लिखा है, तो ये हो गया सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या चाहिए उसको, मजदूर लेबर चाहिए, कितना चाहिए, 4 चाहिए, 4 क्वांटिटी, तो ये हो गया नॉर्मल सिंगल, पर बंच सर्विसेज में देखेंगे तो एक से ज्यादा रहेगा। अब इसको देखोगे तो एक टैक्सी हायरिंग चाहिए, एसयूवी चाहिए आउट स्टेशन के लिए, और दूसरा और एक है शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए है ना, एक शॉर्ट टर्म कैबिन हायर टैक्सी आउट स्टेशन के लिए चाहिए और एक कुछ। अब यहाँ पे देखो सेम आईटी टेक्नीशियन चाहिए और कुछ चाहिए जो यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ नहीं है, टेंडर खोलेंगे तो पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए बंच में। देखो इसमें क्या क्या चाहिए, उसको
स्किल्ड में आईटी टेक्निशियन चाहिए, एफजीएम है ना, मैन पावर फिर चाहिए, उसको क्या चाहिए दूसरा, आईटी टेक्निशियन में ही इलेक्ट्रीशियन चाहिए, एक एफजीएम चाहिए, एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, और क्या चाहिए, नॉन आईटी टेक्निशियन में वॉलमैन चाहिए और अनस्किल्ड में हेल्पर चाहिए। तो इसको ऐसे चार अलग अलग चीजें, तो ऐसे ये हो गया बंच बिल्ड। जब भी एक से ज्यादा होगा तो बंच बिल्ड, और सर्विसेज का है तो सर्विसेज, प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट। कोई टेंडर बीड से, पहला बीड निकलता है और बीड से यदि वो ऑक्शन में कन्वर्ट होता है तो वो बीड टू आर ए बनेगा। कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया बी की जगह पे ये आर हो जाता है, तो ये बीड टू आर ए में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कस्टम बीड दिखेगा। यदि मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है या कोई स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे कस्टम बीड। और एक आता है बीओक्यू बीड, जहां पे मल्टीपल, एक सिंगल आइटम का भी बीओक्यू बीड निकल सकता है और एक से ज्यादा आइटम का भी बीओक्यू बीड निकल सकता है। टोटल एक साथ यदि 199 आइटम का बीड निकालना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है बीओक्यू बीड, मतलब सिंगल आइटम का भी बीड निकल सकता है और 190। अभी ये बायर डिसाइड करेगा, जो बायर को कस्टम बीड में प्रोडक्ट चाहिए या बीओक्यू बीड में चाहिए, ये बायर के। ये टोटल बीड का डिटेल्स है और बीड का क्राइटेरिया। इतने टाइप के बीड है जेम पे, और जब जेम पे बीड होगा तो जेम में हर एक टेंडर को भरने का तरीका अलग है, एक जैसा नहीं। प्रोडक्ट का बीड जैसा भरेंगे, सर्विसेज का बीड भरने का तरीका अलग है ना, कस्टम बीड का तरीका अलग है, सर्विस कस्टम का अलग है, प्रोडक्ट कस्टम का अलग है, बीओक्यू का अलग है, बंच बीड का और प्रोडक्ट का थोड़ा सा मतलब सेमी है पर थोड़ा डिफरेंस है। बीड टू आर ए वो तो मैं लाइव नहीं बता सकता, पर मैंने जैसा बताया वैसा चलेगा। तो ये सब जो प्रोसेस है, सब यहाँ पे टेंडर भरने का प्रोसेस अलग अलग है। ये महा टेंडर्स या ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल जैसा नहीं है, जिस बहुत सारे लोगों ने ई प्रोक्योरमेंट टेंडर भरा है, वहां पे यदि मैंने एक टेंडर आपको भरना दिखा दिया तो आप सभी तरफ का टेंडर भर लोगे, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे हर एक टेंडर को भरने का प्रोसेस अलग अलग है, जो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे टेंडर भरते वक्त। सिर्फ हम लोग टेंडर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग टेंडर पहले सर्च करेंगे, डॉक्यूमेंट स्टडी करेंगे और फिर टेंडर भरने के लिए जाएंगे। चलिए, तब तक कुछ क्वेरी है तो ले लेता हूँ। संतोष सर बोलिए। सर, ये कस्टम बिड्स में वही आइटम आता है जो जेम के पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है? जनरली ऐसा आइटम आता है, पर बहुत टाइम पे हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट को भी जो जेम पे अवेलेबल है उसको भी कस्टम बीड में डाल देते हैं, पर वो गलत है, सही नहीं है, पर डाल देते हैं। अभी मान लीजिए कैसा डालते हैं वो बताता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला, Q2 का प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है ना, जी मैंने बताया था कल के क्लास में लेक्चर में। देखो Q2 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो ऑथराइजेशन लगेगा। अभी आपके पास यदि ऑथराइजेशन नहीं है और आपको लैपटॉप कोई बायर के साथ आपकी अच्छी पहचान है तो आप क्या करेंगे, आपको बेचना है पर आप बेच नहीं सकते क्योंकि आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप कस्टम बीड निकाल सकते हैं, जहां पे विदाउट ऑथराइजेशन आप यदि लैपटॉप का कस्टम बीड निकाल देंगे तो आप टेंडर भर पाएंगे। तो ऐसे भी लोग करते हैं, ठीक है, पर ये गलत है। रूल्स क्या बोलता है, यदि कोई जेम पे ऐसा कैटलॉग प्रोडक्ट नहीं है या ऐसे सर्विसेस नहीं है तभी हम लोग कस्टम बीड या बीओक्यू बीड निकालेंगे, ठीक है जी सर। पवन सर, थैंक यू सर। पवन सर हेलो। हाँ बोलिए जी सर। ये जो ऑप्शन है अपना बिट टू आर ए, तो इसका अगर यूज ऑप्शन निकलता है तो ये इसके लिए उनका बीड निकलता है उसमें पार्टिसिपेट करना जरूर रहता है क्या, कि अपन डायरेक्ट भी आरएस में सबमिट कर सकते हैं, सबमिशन ले सकते हैं? हाँ, पहले आपको बीड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑप्शन में जा पाएंगे। मगर पहले अगर बीड मैंने भर दिया और बीड किसी को नहीं हुआ, उन्होंने आरए में आया, तो उसके लिए पहले बीड भरना जरूर रहेगा? हाँ, बीड भरना आरए में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तभी आप आरए में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो बीड टू आरए हो। अच्छा, और ये जो पहला अपना बीड्स ऑब्लिक आरए है तो इसमें डायरेक्ट निकलेगा, तो इसमें डायरेक्ट बीड की जरूरत नहीं है अपने को, डायरेक्ट आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सचिन सर। सर, ये बंच बीड जो है, हाँ, इसमें मल्टीपल आइटम्स होते हैं। हाँ, अगर ये मल्टीपल आइटम्स में मान लीजिए 5 आइटम है
और हम जो है खाली 3 आइटम दे पाएंगे तो क्या हम पार्टिसिपेट? ये डिपेंड अपॉन टेंडर, जिसमें भी बंच बिड में दो तरह का टेंडर होता है, एक शेड्यूल वाइज होता है और एक विदाउट शेड्यूल होता है। यदि कोई टेंडर में शेड्यूल बोला है तो आप उसमें से जो चाहिए, 5 में से 1 देना चाहते हो तो 1 दे सकते हो, 5 में से 3 देना चाहते हो तो 3 दे सकते हो, जब पर टेंडर में शेड्यूल हुआ रहा तो। यदि टेंडर में शेड्यूल नहीं है तो आपको 5 के 5 प्रोडक्ट देना पड़ेगा। यदि आप 5 में से 4 दे रहे हो, 1 नहीं दे रहे हो, तो टेंडर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर सर, थैंक यू। विकास सर, विकास सर, सुबोध सर, सर अगर कोई मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जिसमें अगर अराउंड 50 प्रोडक्ट्स है और उसमें समझो कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इसमें और अगर कुछ नहीं है तो हाँ, वो कस्टम बिड में जाएगा, राइट? बराबर। और अगर ऐसा होता है कि बायर से हमारी पहचान है और सब प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम उनके साथ बात करके एक आधा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं कस्टम बिड के लिए, और हाँ, कर सकते, कर सकते। पर सर ऐसा होता है नॉर्मली? देखो सर, यदि हम लोग लीगल की बात करेंगे तो ये लीगल नहीं, पर होता है। यदि हम लोग मिलिट्री बात करेंगे, रेलवे बात करेंगे, तो सभी डिपार्टमेंट टेंडर निकलता है। अब यदि देख लो कस्टम बिड में, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे होंगे, आपको लैपटॉप डेस्कटॉप का ही मिल जाएगा यहाँ पर, बहुत सारे। वो भी देखेंगे तो डिफेंस वगैरह भी निकलता है, यहाँ पर ही दिखा देता हूँ आपको, बहुत सारे होंगे। अभी हमने कल भी देखा था, जस्ट 2 डेज का टाइम दिया था उन्होंने, 2 दिन का टाइम दिया था, जबकि वो भी रूल में नहीं आता। और डिफेंस वाले भी देखो देते है ना। अभी देखो एसएस डस्टबिन, क्या डस्टबिन नहीं है, फिर भी उसका टेंडर कस्टम बिड में निकाल दिया है ना। तो ऐसा पॉसिबल है। स्विंग मशीन सर्विसेज, अभी ये पता नहीं मुझे है कि नहीं। जनरेटर रिपेयरिंग, पता नहीं मुझे ये है कि नहीं। एनालाइजर, ये भी है जेएमपी कैटलॉग कैटेगरी, फिर भी इसका कस्टम बिड निकाला है। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने कस्टम में डाला है, ठीक है, क्योंकि जो उनका सेलर है वो क्राइटेरिया में बैठना चाहिए, राइट? वो बैठने के लिए। बट इसको तो अगर वैसे देखा जाए तो जो जो क्राइटेरिया था उनके, उन्होंने जो दिया था ऑलरेडी, तो वो भी आदमी यहाँ पे भर सकता है कस्टम बिड में। हाँ, कोई भी भर सकता है। तो फिर इसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट आपको आगे समझेगा थोड़ा टेंडर में, हम आपको आगे जब टेंडर में हम लोग बायर के साइड में पढ़ाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा टेंडर में सेटिंग कैसे करते हैं। टेंडर में भी हम लोग सेटिंग करते हैं कि आपका टेंडर आपको ही मिले। देखो थोड़ा देखो, जब भी हम लोग सेटिंग की यदि कहीं पर बात करेंगे सेटिंग का, तो समझने का ये लीगल नहीं है। क्लियर है, बराबर है ना? यदि सेटिंग है तो लीगल हो नहीं सकता। यस यस, आप क्या बोल रहे हो वो सही है, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बायर के साइड से वो कहते हैं कि मुझे सेफ साइड निकलना है, मैं कर तो दूंगा, ठीक है, बट ज्यादा कोई रीजन मांगे या फिर कोई नहीं, फिर नहीं, फिर उसको वो फिर नहीं चलेगा। ये भी वो लोग चाहते नहीं है, फिर किसी को भी मिल सकता। ओके ओके, फिर प्रॉपर प्रोसेस में नहीं होता। तो मींस अगर हम वैसा कर रहे हैं तो अभी कोई रीजन मांग सकता है इनको कि अपने कस्टम में क्यों डाला। हाँ, रीजन मांगेगा तो उसके पास क्या रीजन है, हो ही नहीं सकता ना रीजन। वो तो कैटेगरी मार्केट में है तो आपने मार्केट से क्यों नहीं लिया, सीधे एक क्वेश्चन है। ओके ठीक है, यस संतोष सर। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, अगर मींस डायरेक्ट जो टेंडर निकलते है ना, अभी सपोज कस्टमर को स्पेसिफिकेशन हमारा सेम है सबका और मेरा रेट हाईएस्ट है सपोज, हाँ, तो वो कस्टम बीड में हम कुछ स्पेसिफिकेशन में छेड़छाड़ करके, हाँ, फिर आप कस्टम बीड निकाल सकते के साथ बायर, हाँ, कर सकता है क्या? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते, कर सकता है, ऐसा रहा तो कर सकता है। ओके, उसके लिए एक नॉन एबिलिटी रिपोर्ट निकालना पड़ता है। नॉन एबिलिटी रिपोर्ट निकाल के आपको कर सकते हैं। नॉन एबिलिटी रिपोर्ट, हाँ, जीएम नॉन एबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं। मैं ये सब बायर की क्लास में सिखाऊंगा क्योंकि ये बायर का रोल है, तो बायर की क्लास में बताऊंगा। लास्ट डे के लेक्चर में हमारा ये सब कवर होगा। हाँ जी, ठीक है सर, विकास सर। सर जैसे जैम पे आप बता रहे थे ना, गुड्स एंड सर्विसेज होती है, वर्क नहीं होता यहाँ पे। हाँ, जैसे
मैंने टैग लिया हुआ मैन पावर से रिलेटेड वर्क करता हूँ, तो उसमें सर ई प्रोक्रू पे भी सर्विसेज के मैन पावर सर्विसेज में आता ना सर, तो वहाँ पे NIC.tender पे ही प्लेटफॉर्म दिया वहाँ से अप्लाई करने का, कई टेंडर देखे थे सर मैंने, तो ई प्रोक्रू भी मैन पावर टेंडर के लिए सीखना कंपलसरी है सर, जैम जैम पे ही कर सकते हैं। देखो सर वो आपके ऊपर है, जो टेंडर जेम पे निकलेगा वो जेम से भरना है, जो ई प्रोक्योरमेंट से निकलेगा वो ई प्रोक्योरमेंट में भरना है। तो ई प्रोक्योरमेंट पे सर्विस का भी वर्क होता है जैसे? हाँ, वहाँ पर भी सर्विसेज होता है, वहाँ पे गुड्स वर्क सर्विसेज, वहाँ पर भी तीनों का टेंडर निकलता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने सिर्फ टेंडर का ओवरव्यू देखा, समझा बीड को, अभी हम लोग टेंडर जेम पे, हम लोग ई प्रोक्योरमेंट का यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सिर्फ जेम के बारे में लेक्चर लेंगे, है ना। तो जेम पे टेंडर सर्च कैसे करते हैं और उसको कैसे काम करते हैं वो हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे।